ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ये एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने लिख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को फिर जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को इसको फिर अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप सभी चाहो तो आप गाइस मोबाइल से सेल्फी लेते हुए की भी फोटो भी यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, बट मेरे पास ये मॉडल था पहले से, तो मैंने सोचा आप सभी को क्यों इसी में समझा दूँ। तो ये आप सभी कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में सेट कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अब यहाँ पे आप सभी को तो पहले कर देना डन। ठीक है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को ये जो 3D इमोजीज हैं, आप सभी को इन दोनों इसको ले लेना है। ठीक है, तो आपको मैं दो तीन ज़्यादा मतलब कि 4-5 इमोजीज दे दूँगा आप सभी को, जोन से आपको बेटर लगे आप वो वाला मतलब कि आप अपने उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, तो आप सभी कुछ इस टाइप से एक इमोजी इसको लगाना है ऐसे, एंड इसका डुप्लीकेट करके आप सभी को कुछ इस टाइप से इस साइड में भी लगा देना है। ठीक है, तो इसका इस साइड वाला जो इसका साइज़ को आपको छोटा रखना है, क्योंकि हम इसको यहाँ पर ब्लर भी करेंगे। तो उसके लिए भी क्या करना है आप सभी को, इसको थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं कुछ इस टाइप से यहाँ रख देता हूँ। एंड इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा ब्लर कर लेते हैं ना, तो इस वाले को मैं थोड़ा साइज़ को भी बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे साइज़ को बड़ा करके एंड इस पर हम चल देंगे, यहाँ पे जाएंगे हम एफएक्स में। ठीक है, एफएक्स में जाने के बाद हमें ब्लर वाले ऑप्शन में जाना है। एंड इसके फर्स्ट वाला लेना है, एंड जिसका अमाउंट है गाइस अराउंड 2 या 3 तक रख लेना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट रखने से मतलब कि दिखेगा फिर अलग ही, थोड़ा कम अमाउंट रखना। एंड उसके बाद यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं अब डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को मैं एक विगनेट का पीएनजी दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को उसको भी ऐड करना है यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से आप सभी को लगाना है। तो आप कुछ इस टाइप से लगाओगे, फुल स्क्रीन कर दोगे तो ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी फोटो काफ़ी अमेजिंग हो गई है। तो अभी हम यहाँ पे डन करते हैं। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को क्या करना है, ऐड फोटो में जाकर आप सभी को एक पार्टिकल पीएनजी जो कि आप सभी को इमोजी के पास लगाना है। तो कैसे लगाना आप सभी को बताता हूँ। पहले तो उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फोटो अपनी जूम करना है कुछ इस टाइप से, एंड जो आपका इमोजी है उसके पास कुछ इस टाइप से सेट कर देना है। ठीक है, चाहो तो जिसके फेस के ऊपर या हर्ट के ऊपर जो एरिया आ रहा है उसको इरेज भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ना करो तो भी अच्छा ही है। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे इस वाले पे भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अब कर देना है डन। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम इसमें डोजन बन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से जाना होगा टूल्स में, फिर जाना होगा एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद हमें थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा, रिजल्ट टूल में जाकर फिर इन्वर्ट कर देंगे ब्रश के साइज़ को थोड़ा छोटा करके। एंड कुछ इस टाइप से हम इसमें डोजन बन करेंगे। ठीक है, मॉडल के फेस पे। ठीक है, एंड अगर आप सभी को गाइस ये डोजन बन के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सभी को आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आप उस वीडियो को देख लेना। बाकी आप सभी को यहाँ पे हमने जो डोजन बन कर लिया था, हम कर लेंगे अब अपनी फोटो को सेव। एंड गाइस, अब बात आती है हमारी इसमें थोड़ी सी कलर करेक्शन की। तो यार, वो जो कलर करेक्शन करेंगे ना यार, वो कलर करेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यार, वो स्टेप देखा करो, तभी फोटो का पता असली रिजल्ट वहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आपसे यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, क्या बताऊँ मैं आप सभी को यार, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इतना ही यार है ना, तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। एंड चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो आप सभी को करना क्या है, आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जो कॉन्ट्रास्ट है इसका आप सभी को उसको बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को आप सभी को इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, शेडो को भी थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है। एंड इसको जाना कलर्स में, कलर्स में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है। एंड इसको टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है। एंड जाना मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड ब्लू कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है, एंड सेकंड ब्लू में जाना इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड जो पर्पल वाला गाइस, आप चाहो तो उसको बिल्कुल ब्लू भी कर सकते हो, देखो बिल्कुल माइनस कर दोगे तो ब्लू हो जाएगा बैकग्राउंड, एंड बिल्कुल प्लस में कर दोगे तो पर्पल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को थोड़ा सा करना है, एंड उसका सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो कोई सा भी कलर रख सकते हो। इसके बाद जाना आप सभी नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी है इंक्रीज कर देना है, फोटो में विग्नेट डालना है। ठीक है, विग्नेट डालने के बाद तो अलग ही लुक आ जाता है यार। फिर उसका ग्रीन अमाउंट भी बढ़ा देना है। नीचे वाले टूल में जाना, फोटो की जो शार्पनेस है इंक्रीज कर देना है, नॉइस रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है, जो कलर नॉइस रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस। ठीक है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना यार, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को इन दोनों वीडियो में से जो वीडियो अच्छी लग रही हो, या दोनों में से किसी एक पे भी क्लिक करके आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बाकी आप सभी को और कोई वीडियो भी देखनी है, तो मेरे चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करो, एंड वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल की सारी वीडियो देख सकते हो, आपको जो अच्छी लगी वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना रखी हो। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।